नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बिहार में इतनी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलेगा। पिछले हफ्तों की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में 19 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट का ट्विटर पेज है जिस पर इस बात की पुष्टि की गई है। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर ट्वीट करके ये बता दिया गया है कि अब जो आंकड़ा है वो 3000 के पार जा चुका है। बिहार में 38 मोर कोविड-19 केस इन बिहार टेकिंग टोटल नंबर 3006, यानी कि 3006 हो चुके हैं। आपको बता दें कि सभी के ट्रेल्स को खंगाला जा रहा है। अब तक डिस्चार्ज लोगों की संख्या 800 है और एक्टिव लोगों की संख्या अब 2192 हो चुकी है। 14 मौतें बिहार में हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बड़े खतरे की संभावना है। आपको बता दें कि जो मरीज मिले हैं उसमें सारण के, बेगूसराय के, वैशाली के, अररिया के, दरभंगा के, किशनगंज के, मधेपुरा के और सहरसा के मरीज जो है वो शामिल है। और आपको बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा तादाद में नौजवान लोग हैं जो कि इसमें संक्रमित पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार संक्रमण बढ़ने से लोगों के बीच में दहशत भी बढ़ रही है। तो एक बार फिर से आपको बताएं कि 38 कोविड-19 केसेस बिहार में मिले हैं, जिसके बाद अब संख्या 3006 पहुंच चुकी है, मतलब कि 3000 का आंकड़ा जो है वो पार कर चुका है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है और उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। कहा है कि बिहार में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं इनमें काफ़ी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में सभी बाहर से आ रहे श्रमिकों की संख्या को देखते हुए सभी जिलों के आइसोलेशन केंद्रों के जो बेड हैं उसकी संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार में डर सबको पता चल गया है कि आखिर कोरोना किस तरह की भयावह स्थिति पैदा कर सकता है। बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी चिंतित हैं। बिहार में लॉकडाउन 4 में जो रियायत दी गई है उसके बाद से आंकड़े और भी ज़्यादा मिलने लगे हैं। राजधानी पटना की बात करें या फिर अन्य जिलों की बात करें, सभी जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 38 केस नए मिले हैं, इसकी पुष्टि बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है, जिसके बाद आंकड़ा 306 पहुँच चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी समीक्षा बैठक में चिंता जाहिर की है। उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि बाहर से आए मजदूरों को, श्रमिकों को जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है, उनकी प्रोटोकॉल के अनुसार तेजी से जाँच होती रहे और इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो हाई लेवल मीटिंग की गई है और इसी बीच ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब बिहार में 3000 के पार जा चुका है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।